है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है कि टेक्नो फोन में हम यहाँ पर जो डिस्प्ले में यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन शो हो रहा है, इस तरह से हम नोटिफिकेशन शो अपने टेक्नो के फ़ोन में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इस फ़ोन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, टेक्नो स्पार्क 7। स्पार्क 7 जो फ़ोन है इसमें हम डाटा यूसेज नोटिफिकेशन बार यहाँ पर इस तरह से हम कैसे शो कर सकते हैं। जैसे कि मेरे फ़ोन में आप देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा है, और इसको शो करने का यहाँ में दो तरह का ट्रिक है। यहाँ पर दो तरह का सेटिंग आपको मिल जाता है इसको शो करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि बहुत सारे फ़ोन में आपको एक सेटिंग नहीं मिलता है, बट एक तरह का सेटिंग आपको दिया होता है। दो तरह का सेटिंग है किसी फ़ोन में आपको डिफरेंट टाइप से दिया होता है। तो यहाँ पर आपको इसको करने का पूरा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पर इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर वीडियो को स्किप करते हैं आप तो इस तरह का सेटिंग करने से आप नहीं सक पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको यहाँ पर हमेशा ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में मैं यहाँ पर बताता हूँ, सॉरी किसी भी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि यह सिस्टम का एप्लीकेशन है, आपके फ़ोन में ही दिया होता है। यहाँ पर आपको एक फ़ोन मास्टर एप्लीकेशन आपको टेक्नो के किसी भी फ़ोन में आपको देखने को मिल जाएगा, फ़ोन मास्टर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको जो डाटा यूसेज नोटिफिकेशन शो होने वाला जो सेटिंग है वो आपके फ़ोन में आपके सेटिंग में भी दिया होता है, यहाँ पर सेटिंग में भी दिया होता है और यहाँ पर एप्लीकेशन में भी दिया होता है। तो किसी किसी के एप्लीकेशन में सेटिंग दिया हुआ है और किसी किसी के यहाँ पर सेटिंग में दिया हुआ है। तो इस वाले एप्लीकेशन को आपके फ़ोन में देखना है कि आपके फ़ोन में फ़ोन मास्टर एप्लीकेशन है या नहीं है, टेक्नो स्पार्क 7 में या किसी भी टेक्नो के फ़ोन में। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोन कुछ इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ओपन इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर आप नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखना है। सॉरी यहाँ पर एप्लीकेशन तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, बट मैं यहाँ पर आपको दिखा दे, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट करके, सॉरी यहाँ पर डाटा मैनेजर करके यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, डाटा मैनेजर। तो इस डाटा मैनेजर वाले ऑप्शन पर आपको इस सेटिंग को दिया होता है। यहाँ पर आप इस सेटिंग को आकर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ से आप सेट कर सकते हैं आपके अगर फ़ोन मास्टर एप्लीकेशन दिया हुआ है तो। अगर आपको दूसरा ट्रिक अप्लाई करना है तो आपको उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर चले जाना है हमें अपने फ़ोन की सेटिंग में, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क करके। तो यहाँ से हमें सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले पर चले जाना है, और यहाँ पर चले जाने के बाद आपको नीचे में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा डाटा सेटिंग एंड डाटा यूसेज का। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ सेट डाटा ए प्लान ऊपर की तरफ मिल जाएगा, यहाँ पर आपको चले जाना है। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ डाटा यूसेज एंड नोटिफिकेशन बार मिल जाएगा, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ से जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे यहाँ से आपके ऊपर में ही डाटा यूसेज डेली यूसेज जो शो हो रहा है यहाँ से आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपने इस तरह से अपने सेटिंग में कर लेना है, और इस तरह से आप कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।